अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो सिस्टम गिवन होगा वो टू वेरिएबल्स का है और इसमें जो इक्वेशंस हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, जो सिस्टम का जो सॉल्यूशन आएगा वो तीन टाइप्स का हो सकता है। एक ये कि यूनिक हो, एक ही सॉल्यूशन हो, दूसरा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो, और दूसरा है कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बाय सॉल्यूशन को जब आप निकाल सकते हैं उसको आप स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। उसका हम कैसे करते हैं, हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस के वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस के टू। अब ये दोनों जो है आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं जिसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें जो m1 है x का कोफिशिएंट, ये पहले लाइन का स्लोप है और ये इसका y इंटरसेप्ट का y है, y वैल्यू, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं। ये m2 दूसरी इक्वेशन का स्लोप और ये उसका y वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, वो लाइन जो y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, ये वाला पॉइंट जो है ये इक्वेशन वन के लिए के वन होगा, और अगर आपके पास दूसरी कोई इक्वेशन है तो ये जो है के टू सेकेंड। ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड इट, इसके तीन तरीके, तीन टाइप्स आ सकती हैं। वो कैसे, अगर आपके पास जो दोनों इक्वेशंस है उनके स्लोप इक्वल नहीं हो तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। दैट मींस कि एक का स्लोप ये है इक्वेशन वन, दूसरे का स्लोप इस तरह का है, तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ये ग्राफिकल भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन की लाइन ये बन रही है जो इक्वेशन वन की लिखी हुई है, दूसरी की ये है, तो देखो दोनों का स्लोप सेम नहीं है, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर स्लोप एक जैसा हो, मीन जो स्लोप है ये भी एक जैसा है, ये भी मीन्स पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, लेकिन उनके जो वाई इंटरसेप्ट्स हैं वो एक जैसे ना हो। अब एक ये लाइन है जो वाई को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, दूसरा ये लाइन है इक्वेशन वन जो है वो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, के वन और के टू दोनों एक नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह तीसरे में अगर अगेन स्लोप एक जैसे हो और जो वाई इंटरसेप्ट हैं ये भी एक जैसे हो, एक ही पॉइंट के ऊपर हो, तो इक्वेशन वन भी यही लाइन है इस पॉइंट के ऊपर वाई को टच कर रही है, और इक्वेशन टू से भी आप यही लाइन ड्रॉ करते हैं और वो भी इसी के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर टच करिए वाई को, तो तब हम कहते हैं कि ये आप देखें इक्विवेलेंट लाइंस है, ठीक है, या ओवरलैपिंग लाइंस है, तो इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मींस इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय कंपेयरिंग। आपके पास एक इक्वेशन ये गिवन है और एक ये गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको जो वाई इंटरसेप्ट, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें लेके आना है, जो कि मैंने यहाँ पर राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो अब इसमें पहले इक्वेशन लिखी हुई है उसमें आप एक्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड पर लेके जाएँ, माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, दोनों साइड पर फाइव से डिवाइड कर दें, वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर फाइव एक्स, तो फाइव फाइव के साथ कैंसिल, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन के साथ कंपेयर करूं तो एक्स का कोफिशेंट क्या है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वन इसका कोफिशेंट हो गया, दैट मीन्स स्लोप जो है वो माइनस वन है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स के कुछ भी नहीं है, तो के वन मीन्स के इज ज़ीरो। इसी तरह दूसरे लाइन को अगर हम देखें, हमने इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड पे या माइनस वन से,
तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखेंगे बहुत सेम इक्वेशन है, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, क्या होगा माइनस वन, और के टू क्या है इज जीरो। अब स्लोप्स भी एक जैसे हैं और वाई इंटरसेप्ट्स की वाई वैल्यूज भी एक जैसी है, तो इसका मतलब है दोनों सेम इक्वेशन है, इक्वलिट इक्वेशन है, तो इनके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन टू में भी यही करना है, इक्वेशन वन को लिखा है उसमें वाई को सब्जेक्ट बनाया, मीन्स वाई को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 2x को किया तो माइनस 2x आ गया, माइनस 9 से दोनों साइड पर डिवाइड किया, हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब इसको हमने y इक्वल टू m1x प्लस k1 की फॉर्म में लिख दिया, या आपका m आ गया या आपका k आ गया। दूसरी इक्वेशंस को भी हमने वही चीज़ की, y को अकेला छोड़ दिया और बाकी सबको दूसरी साइड पर लेके गए, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m's m की वैल्यू भी आ गई है, m1 m2 भी और k2 k1 और k2 भी। यहाँ से m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। इसमें भी आप देखें y को एक साइड पे किया m1 आ गया k1 आ गया, इसमें भी y को एक साइड पे किया m1 आ गया k1 आ गया, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो यूनिक सोल्यूशन। थर्ड में, फोर्थ में 3x माइनस 9y इक्वल टू 24, उसको सिंप्लीफाई किया तो m की वैल्यू 1/3 जो x का कोफिशेंट है, और k1 की वैल्यू ये, यहाँ पे m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 1/3 और k0 है, तो m1 इज इक्वल टू m2, लेकिन k1 और k2 इक्वल नहीं है, दैट मींस नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में भी वही किया, y को m1 इज 1/3, k1 इज माइनस 8/3, m2 इज 1/3, k2 इज माइनस 2, अगेन m1 इज इक्वल टू m2 बट k1 इज नॉट इक्वल टू k2, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन सिक्स में भी वही किया हुआ है, m1 आ गया 2, k1 इज माइनस 18, m2 इज 2, k2 इज 20, m1 इज इक्वल टू m2 बट k1 इज नॉट इक्वल टू k2, नो सॉल्यूशन क्योंकि पैरेलल लाइंस है। सेवन में किया, m1 इज इक्वल टू माइनस 3, k1 इज इक्वल टू माइनस 2, m2 इज माइनस 3 और k2 इज माइनस 1, दोनों एक जैसे हैं, तो इट मींस सेम ही लाइंस हैं, इक्विवेलेंट लाइंस हैं, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर एट में m1 इज 1, m2 इज 2, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, सो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें अगेन y को सब्जेक्ट बनाए, m1 इज 0, k1 इज 0, y m2 is minus 1, k2 is 0, m1 is not equal to m2, so unique solution. Question 10 में भी यही चीज की हुई है, अब इसके देखें, m1 is not equal to m2, so unique solution. अब graphically हमने इसको solve करना है, graphically means हमने check करना है कि lines parallel हैं, overlapping है, एक दूसरे के ऊपर हैं, या फिर एक दूसरे को किसी एक point के ऊपर touch कर रहे हैं, intersect कर रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वही यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर ओवरलैपिंग लाइंस हो तब क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हैं, आप इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल दें, मीन एक्स 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 को कहाँ पर टच करेगा, वाई एक्स को कहाँ पर टच करेगा। उसका आसान तरीका क्या है कि आप एक दफ़ा एक्स को जीरो पुट करें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी दफ़ा उसी इक्वेशन में y को जीरो पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसको ड्रॉ कर दें xy प्लेन के ऊपर। दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही करें, एक दफ़ा x को जीरो पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी दफ़ा y को जीरो पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स हैं, आप इसको आराम से xy प्लेन के ऊपर स्केच कर दें। इक्वेशन वन के लिए एक था ज़ीरो, वाई था 4.33, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह एक्स ये था -6.5 और वाई ज़ीरो था। अब ये देखिए, ये दो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी है, आप इसको स्केच करें, इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये आपकी इक्वेशन वन की लाइन बन गई। इक्वेशन टू के लिए पहले का था 0 0 0 और -1, एक ये पॉइंट था, दूसरा था 0.5, एक्स था 0.5, सॉरी इट शुड बी
माइनस पॉइंट फाइव, ठीक है। तो माइनस पॉइंट फाइव और जीरो तो ये पॉइंट था। अब आप इसको मिला के दोनों पॉइंट्स को कंबाइन ज्वाइन कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यू कैन सी दैट इसका कितना एक सोल्यूशन है, इसका एक ही सोल्यूशन है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज योर सोल्यूशन। अगर आपने सोल्यूशन चेक करना है कि ये सोल्यूशन ट्रू है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसी पॉइंट को, इसी सोल्यूशन को आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। तो इक्वेशन वन के अंदर एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे उसकी दूसरी वैल्यू थ्री पुट कर दी, सॉल्व किया तो माइनस थर्टीन आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो दोनों एक जैसे हैं लेफ्ट और राइट ट्रू। क्वेश्चन टू, इक्वेशन टू में भी इसी को पुट कर दें, इक्वेशन टू भी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब यही आपका सोल्यूशन है। ये अगर वन और टू में से किसी एक को भी ना सेटिस्फाई करती तो ये सोल्यूशन ना होता। फिर ट्वेल्व में भी आप नहीं करना है, एक्स को जीरो पुट किया वाई की वैल्यू आ गई, वाई को जीरो पुट किया एक्स की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन टू में भी यही किया, एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट करते हुए वैल्यूज निकाली है, उनको यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन वन के लिए पहली वैल्यू ये थी, दूसरी ये, इनको ज्वाइन कर दें और एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। इक्वेशन टू के लिए एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, दोनों को ज्वाइन करें और एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। अब देखें एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इसका मतलब सोल्यूशन यूनिक है। और ये सोल्यूशन क्या है, टू कॉमा वन, एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू वन। चेक करने के लिए आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू के अंदर इसको पुट कर दें और चेक करें कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड एक जैसे है या नहीं है। अगर नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है, अगर दोनों सेम है बराबर है लेफ्ट और राइट, दैट इज़ द यूनिक सोल्यूशन। इसी तरह 13 के लिए भी हमने यही किया हुआ है, ठीक है। बट यू कैन सी 13 में जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वेशन सेम ही आ रही है, पॉइंट्स एक जैसे हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो एक का भी आ रहा है ज़ीरो माइनस वन और टू ज़ीरो, तो एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब दूसरे का भी वही पॉइंट आ रहा है जीरो माइनस वन एंड टू ज़ीरो, तो दैट्स वाई देयर एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैपिंग लाइन्स हैं, तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब उसको अगर आपने चेक भी करना हो तो आप इसमें से, इस पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उठा लें, इस लाइन में से को दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट कर दें। वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज आ गई हैं, जो टू ज़ीरो है ये और ज़ीरो माइनस वन, ये दोनों के सेम ही है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें भी आपने वही करना है, एक्स को ज़ीरो पुट किया वाई की वैल्यू आ गई है। अब अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है इस वाले क्वेश्चंस में, जब दूसरी साइड पे ज़ीरो हो, इसमें अगर आप एक्स को ज़ीरो पुट करें तो वाई ज़ीरो आएगा, वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स ज़ीरो आएगा। इसीलिए आप एक तो एक्स को ज़ीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकाल दें, दूसरे के लिए कोई और पॉइंट चूज कर लें, कोई सा भी पॉइंट हो, आप बेशक एक्स की कोई और वैल्यू पुट कर दें, या मैंने वाई की वैल्यू पुट किया वन पुट किया तो एक्स की टू वैल्यू आई है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में तो सेम ही करना है। अभी लाइंस जो है वो पैरेलल बन रही हैं, पहली इक्वेशन के लिए एक ये पॉइंट था, दूसरा ये पॉइंट, लाइन ड्रॉ की ये पॉइंट, दूसरी इक्वेशन के लिए ये पॉइंट, लाइंस ड्रॉ की, यू कैन सी देयर पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये कभी टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशंस। 15 में भी अगेन आपने सेम ही करना है, एक दफा एक्स को जीरो पुट किया वाई निकाला, वाई को जीरो पुट किया एक्स निकाला, दोनों में वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, ग्राफ आपका स्केच हो गया। एक दफा ग्राफ स्केच हो गया, आप ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स, ठीक है, तो ये एक दफा पुट करने से आपके पास जहाँ पे इंटरसेक्ट करोगे वो आपका सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन आप पुट कर दे वैल्यू के अंदर। 16 में भी वही चीज़ की हुई है, एक्स को ज़ीरो पुट किया वाई को ज़ीरो पुट किया, लाइंस ड्रॉ किए पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन। 17 में भी एक दफ़ा एक्स को ज़ीरो पुट किया, एक दफ़ा वाई को ज़ीरो पुट किया, तो लाइंस अगेन दोनों सेम ही पॉइंट्स हैं, दोनों फंक्शन से, दोनों इक्वेशन से सेम ही पॉइंट्स आ रही हैं, तो ओवरलैपिंग हो गई है, इट मीन्स इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। 18 में भी वही पॉइंट्स किए एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट,
उसको हम चेक करते हैं भाई दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करके। 19 में हमने वही चीज़ की, एक दफ़ा जीरो पुट किया वैल्यू पुट किया दोनों। अगर आप यहाँ देखें ना, ये पॉइंट पहली इक्वेशन का और दूसरा पॉइंट पहली इक्वेशन का, पहला पॉइंट दूसरी इक्वेशन का, दूसरा पॉइंट दूसरी इक्वेशन का, दोनों सेम ही है, चारों सेम ही है। तो दैट मीन्स के ओवरलैपिंग लाइंस हैं, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। 20th में अगेन आपने स्केच किया, स्केच करने के बाद आपके पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, दैट इज़ योर सॉल्यूशन। अब 21 से 34 तक के क्वेश्चन है वो आपने, वो चूंकि दो से ज़्यादा इक्वेशंस हैं तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर मेथड किया बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस आपने या तो एक्स को ख़त्म करना होता है या वाई को। सबसे पहले आपने इक्वेशंस में चूज़ करना होता है कि आपने, अब ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक में से आपने, दोनों में से आपने या वाई को ख़त्म करना होता है, कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, या फिर एक्स को, वो आपने पहले चूज़ करना होता है, ठीक है। दूसरा फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप उसके उसी इक्वेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी उसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें और उसको आप दूसरी इक्वेशन के साथ ऐड कर दें तो आप, और उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। सो आप इसको देखें यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारे पास दो गिवन है, 2x + 4y = 20 और 3x + y = 10। अब मैं चाहता हूँ कि मैं y को कैंसिल कर दूँ, मैंने इसको लॉक कर दिया, मैं इनको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे कैंसिल करूँगा। यहाँ पे 4x है, नीचे मुझे 4x चाहिए, सॉरी यहाँ 4y है, मुझे नीचे 4y चाहिए इस इक्वेशन में। अब -4y चाहिए, -4y कैसे आएगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 -4 टाइम्स इक्वेशन 2। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया और ये 4 टाइम्स इक्वेशन 2 लिख दिया। 4 × 3 इज़ -12x, -4 × y इज़ -4 और 10 × -4 इज़ -40। अभी देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वाइज आप एक्सेस को करें तो ये -12 + 2 क्या होगा, -10x, और यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर दें तो -40 + 20 इज -20, दोनों साइड पर -10 से डिवाइड कर दें, गेट x = 2। अब x की कोई एक वैल्यू आई, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यही कह रहे हैं थर्ड स्टेप में कि अगर आप उनको सॉल्व कर दें और आपके पास क्या हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए x की या y की। अगर आपने y को कैंसिल किया हुआ है तो x की कोई वैल्यू आनी चाहिए, अगर आपने x को कैंसिल किया हुआ है और y की कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इसका मतलब होगा कि जो आपका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। अब आप इसी वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल दें, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, वाई की वैल्यू आई है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब ये सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। कहाँ से पता लगा था कि जब हमने इसको सॉल्व किया दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस को, तो उसे हमारे पास कोई एक्चुअली कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है। अगर हम वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो वाई की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर नो सॉल्यूशन हो, इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ और लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकिन उसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो तो तब हम कहते हैं कि इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। अब इसको देखते हैं नो सोल्यूशन के लिए, ये दो इक्वेशन हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। अब मैंने कैंसिल करना है किसको, एक्सक्यूज मी, वाई को ही कैंसिल करना है, तो यहाँ -2y है, इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 4x - 2y = 20, नीचे वाला -2 × 2 इज -4x और 2y = 15 × 2 = 30। इनको ऐड करेंगे तो अब देखिए y भी कैंसिल हो रहे हैं, x भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 आ गया और राइट साइड पे क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इस 0 = 50 ये ट्रू नहीं है, x 0 is not = 50, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वाले में इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए, ये आपके पास इक्वेशन है और ये आपके पास इक्वेशन है, किसी एक को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं -2y को, सॉरी मैं 10y को कैंसिल कर दूँ,
ठीक है, तो अब कैसे करूँगा, मुझे ऊपर इसमें भी 10y चाहिए, -10y। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके साथ ऐड कर दूँ तो ख़त्म हो जाएगा ये। सो 5 × 3 = 15, -10 और 6 × 5 = 13, और ये नीचे वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखिए 15 भी कैंसिल हो गया, ये 10 वाले भी कैंसिल हो गए, और यहाँ 30 और -30 भी कैंसिल हो गया, तो 0 = 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके कितने होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। और जब आपके पास इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हो, तब आपने क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है। जनरल फॉर्म में आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है, और उसमें से वाई की वैल्यू अलहदा करके निकाल दें, वाई को सब्जेक्ट बना दें। तो वाई वाले टर्म इधर रहने दिए, 3x को दूसरी तरफ पे लेके गए, -2 से दोनों साइड पर डिवाइड किया, तो वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना। स्पेशली इसमें एक्स क्या होगा, आर्बिट्री होगा। तो अगर आपको कहते हैं कि एक्स आर्बिट्री करते हुए जनरल फॉर्म बनाए तो ये बनेगी, अगर वो कहते हैं कि वाई को आर्बिट्री करें तो फिर आपने यही चीज़ करनी है, लेकिन इसमें एक्स को अकेला छोड़ना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सबको दूसरी साइड पर लेके जाना है। जब हम उसने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें एक्स जो है वो आपका, इसमें वाई जो है वो क्या है, आर्बिट्री है। अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि किसको आर्बिट्री रखना है तो यू शुड नो कि आपने किसको करना है, बाकी प्रोसीजर सेम ही है। 21 में अगेन आपके पास दो क्वेश्चन हैं, आप वाई को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो मैंने इक्वेशन वन के थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -2 इस वाई को दूसरी साइड पे लेके हैं तो +y = 15 आ गया। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्चुनेटली वो दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 = 50 मीन्स नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आपने वाई को कैंसिल करना है तो दोनों साइड वो ऊपर और इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू ऐड कर दी, 17 × 51, 17 से दोनों साइड पर डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक में आप 3 पुट कर दें x की जगह पे तो y की वैल्यू आ जाएगी, हमने इक्वेशन 2 को चूज़ किया उसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट आया था। क्वेश्चन 23 में अगेन अगर आपने y को x को कैंसिल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई है, y को पुट कर दो इन दोनों में से किसी भी एक में तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। 24 में अब अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो ये मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आसान ही है कि आप क्या करें, डिवाइड कर दें किसी भी से नंबर से। अब मैंने किसको सेम करना था, मैंने सेम करना है y को। अगर मैं इस y को, इस वाले टर्म को, इसको सेम करना चाहूँ तो मुझे अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो दोनों से आंसर 4 आएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या किया है, इनफैक्ट क्योंकि ये x इस साइड पे है, y दूसरी साइड पे है, तो सबसे पहले आप 12y को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाएगा 9x - 12y = 6, और ये 6x - 8y। अब दोनों इक्वेशंस देखें ये, अब आपने क्या करना है कि इनमें से किसी एक को एक जैसा करना हो। अभी दोनों सेम ही, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो अगर मैं ऊपर वाले को नेगेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 1/2 - 6 = -3x, और -1/2 × 8 = +4xy, और = 4 × -1/2 = -2। इसी तरह 1/3 × 9 = 3, एंड -12/3 है, 1/3 × -12 = -4, और 6 × 1/3 = 2। अगर आप इनको ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये भी कैंसिल, तो 0 = 0। दैट मीन्स कि इसके कितने इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएं और उसमें वाई को सब्जेक्ट बना दें जहाँ पे एक्स क्या होगा, आर्बिट्री होगा। तो आपने इक्वेशन को थोड़ा बहुत देखना है, यहाँ पर मैंने जो काम किया पहले इसको 9x - 12y = 6 ऊपर की इक्वेशन की तरह की फॉर्म में लिखा है ताकि उसको कैंसिलेशन में आसानी हो। 25 में हमने कैंसिल करना था वाइस को, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सेम प्रोसीजर है। 26 में भी वही चीज़ है, हमने वाइस को सेम करना था तो इसीलिए इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को कैंसिल करना था। 27 में हमने अगेन वाई को कैंसिल करना था, आपने देखना आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं।
एक्स की वैल्यू आई है वहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो वाई की वैल्यू आ गई है। यूनिक सॉल्यूशन 28 में भी एक्स या वाई को किसी को भी सेम कर दो, तो ऊपर इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्चुनेटली वो दोनों ही सेम आ गए, कैंसिल आउट हो गए, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, और फिर उसकी मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया। 29 में जब आपके पास दो से ज़्यादा इक्वेशन हो तब आपने क्या करना है कि किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसके अपने वो है रूल्स हैं कि आपने क्या करना है कि किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है एनी टू को, और फिर अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाता है जिस तरह ये आया हुआ यूनिक सॉल्यूशन, तो मैं किसी भी दो को सॉल्व कर देता हूँ। मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, आप किसी दो को भी सॉल्व कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो इससे मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आया। तो जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा फिर आपने चेक करना है जो जितने भी इक्वेशंस बच जाए, इस तरह यहाँ पे एक इक्वेशन बचा है वो है 3, तो आप उसके अंदर पुट कर दें, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा ये -1 और -1, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो नो सॉल्यूशन। अब देखें जब मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया ये वैल्यूज तो आंसर आ गया 12 = 6। अब 12 is not = 6, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आपका नहीं है, तो आप कहते हैं नो सॉल्यूशन। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 से ज़्यादा है, आप किसी भी 2 इक्वेशंस को क्या कर दो सॉल्व कर दो, आप किसी भी 2 को सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे +2 को सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, जिस तरह ऊपर आप करते थे यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस बच जाए उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक करें कि ये ट्रू आता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो जब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज एक्स की और वाई की तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 7 = 7 ट्रू है। इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन आपने पहले निकाला था 2 इक्वेशंस का वो इस तीसरी का भी सॉल्यूशन है, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस है। अब मैं पहले 2 को सॉल्व कर सकता हूँ, वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने पहले 2 को सॉल्व किया, वहाँ से सॉल्यूशन मेरे पास ये निकला 5 और -2। अब इनको इस सॉल्यूशन को मैं जितनी भी इक्वेशंस बची है 3 और 4 इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके चेक करूँगा, अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 3 में पुट किया तो ट्रू आ गया, जब 4 के अंदर पुट किया तो ट्रू नहीं आया, -20 is not = 0 फॉल्स है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप लिखते हैं नो सोल्यूशन। 32 में देखिए आपके पास अगेन क्या है, 4 इक्वेशन है। तो अब आप देखें मैं पहले 2 को नहीं कर रहा क्योंकि आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, कौन से वाले, ये 1 और 4 एक्स कैंसिल हो जाएंगे आराम से, अगर मैं 1 और 4 को सॉल्व करूँ तो मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। अब ये सोल्यूशन जो है बाकी में आपने चेक कराना है, बाकी में कैसे चेक करेंगे, कौन से बचे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो 2 और 3 में हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, इसका मतलब ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। अच्छा इसमें एक और चीज़, अगर आप किसी भी 2 को सॉल्व कर दो और वहाँ से सॉल्यूशन ना आए, जिस तरह पहले में आया था कि 0 = 50, किस तरह की सिचुएशन आ जाए किसी भी 2 में, जिसको भी आप जिस 2 को भी आप चूज करते हैं और सोल्यूशन ना आए, तो उस पूरे सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन किसी भी 2 को सॉल्व किया, यूनिक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, आपने उन बाकी जो बचे थे उनमें सब्सिट्यूट करना है। अब मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे किसको, इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 आसानी से सॉल्व हो रहे थे, एक कैंसिल हो रहे थे एक दूसरे के साथ, तो मैंने 2 और 3 को चूज़ किया, वैल्यू निकाली, जो बाकी इक्वेशंस बची थी वो क्या थी, 1, 4 और 5, और उन तीनों में चेक किया तो तीनों के अंदर वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका मतलब ये आपका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन में आपको 5 इक्वेशंस गिवन है, आप उनमें से किसी भी 2 को चूज़ कर दें, पहले 2 आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, उनको चूज़ किया तो आपके पास एक सोल्यूशन आ गया विच इज़ दिस वन, ये कौन से आया, 1 और 2 से, तो आप इसको चेक करें 3 में भी 4 में भी और 5 में भी। जब आप इन सब में चेक करेंगे तो व्हाट डू यू गेट इज 3 से ट्रू 4 से ट्रू और 5th से जो फॉल्स आ गया, 28 is not = 20, तो इसका मतलब है इस वाले सिस्टम का ये सोल्यूशन नहीं है,
मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।